पहले मैं दो बातें बताते चलूँ। एक तो ये है कि प्रॉस्टिट्यूट है जो अपनी टांगें जो है इसके सामने रखी है। एक दूसरा ये कि इसमें काप ने एक आदमी गन निकाला तो उसको मार दिया अपने डिफेंस में। ये दो बातें हमारे मुसलमानों को समझानी है मुझे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा वीडियो शुरू करता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ताकि मेरे पास शैतान चले जाए और वो जो मेरे वीडियो देखते हैं वो व्यूवर्स के पास से भी शैतान चले जाए और अल्लाह की बात दिलों के अंदर उतरे, मेरे भी और मेरे भाइयों के। मैं भी मोहताज हूँ। अब मैं ख़ास बात आप लोगों को बताता चलूँ। दुनिया के सेंटर में मक्का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वहाँ पेगन्स थे और वहाँ यहूदी थे और वहाँ क्रिश्चियंस थे। मदीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके कचरा साफ़ किया पेगन्स का, यानी कुफार, जो हिंदू है आज इंडिया के हिसाब से वो कुफार हिंदू। पहले मक्का में जो थे वो कुफार हिंदू ही कहलाते हैं, क्योंकि अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की कसम खाते थे बुतों को रखे, लेकिन एक अल्लाह वाहिद है वो नहीं समझ पाए, बदकिस्मत। तो हिंदुओं वाला कचरा साफ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में वो बुत रखा करते थे, बुतों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गिरा दिया। बार बार पैगंबरों का कहना कि जो नज़र नहीं आता उसकी इबादत करो, जो तन्हा है उसकी इबादत करो, जो अकेला है उसकी इबादत करो, वाहिद वाले की। लेकिन ये जो हिंदू अपनी जो है इबादत से बाज नहीं आते, अपनी आदतों से बाज नहीं आते, तो नुकसान में रहेंगे, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कुरान में। मदीने में जो है ईसाइत थी और यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस जगह रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें भी जो है ऊपर के हिस्से में यहूदी रहा करते थे। तो मदीना और मक्का से अल्लाह ने ये साबित कराया कि इनके पास खुदा नहीं है, तो ये मदीना और मक्का को छोड़ भागे। अब मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, इसमें एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ वीडियो जो है यूट्यूब वाले ने किसी और के राइट्स है, तुमने उनके राइट्स वाले पिक्चर्स डाले तुम्हारे ऊपर वीडियो पे, लिहाजा वो वीडियो को उन्होंने निकाल दिया। और कुछ वीडियो ऐसे राइट्स के निकाले उन्होंने जिसमें मेरे को पोर्न या सेक्स का लफ्ज या फिर जो है वो वाच मत करो कहना जो मेरा टाइटल था, वो वीडियोस भी उन्होंने जो है बंद कर दो, नाम चेंज कर दो। इस तरह से मेरे को 2 हफ्ते तक जो है इजाज़त ने जैसा मैं अपलोड नहीं कर सकता जैसा मेरे वीडियोस को उन्होंने रोक दिया 2 वीक तक। फिर एक वार्निंग मुझे ये मिली कि अगर से तुम जिनके दूसरों के राइट्स है वो पोस्टर्स अगर तुम पिक्चर डालोगे तुम्हारे वीडियो के सामने, तो तुमको पूरा ही हम जो है निकाल देंगे यूट्यूब से। अब आप सोचो ये बात, यूट्यूब का हक है, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पर फ्री डालता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल बिजनेस के अतबार से नहीं डालता, और मेरा मकसद सिर्फ लोगों को ईमान की बात पहुँचाना है, पैगाम देना है। तो जिसका है यूट्यूब, जिसकी जो है कुव्वत है, जिसका यानी ज़िम्मा है कि उसके क़ानून के हिसाब से मुझे चलना है यूट्यूब के, इस वास्ते वो मेरे वीडियो निकाल दिए। अब आप सोचो, अल्लाह ने मक्के से यहूदियों को, मैं बार बार यहूदी और क्रिश्चियन और हिंदू का ही जिक्र करता हूँ क्योंकि यहूदी पुराने समझते हैं क्रिश्चियंस, इस वास्ते इनको रिमाइंड कराना है क्रिश्चियंस को कि इस्लाम पुराना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जूश नहीं थे, यहाँ से सिलसिला पूरे पैगंबरों का मिलेगा, उससे ऊपर के भी मिलेगा, उसके बाद के भी मिलेगा। तो हिंदू को इस वास्ते कहना है कि वो ठिठर गए, सिर्फ
इंडिया की हद तक रहेंगे, उनकी कोई दूसरी जगह यानी हुकूमत नहीं चल सकी, मनमानी नहीं चल सकी, वो किसी पे जो है सबाखत या जो है किसी पर काबू नहीं पा सके दूसरे मज़हब पर, और वो हिंदुस्तान में ही जो है थोड़े से रह गए, उनके ही हिंदुस्तान में हिंदुओं के इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, पारसी आ गई, सिखिज़म आ गया, गर्ज ये कि बुद्धिस्ट रहे वहाँ, इस तरह से बेशुमार मज़हब आ गए, तो हिंदुस्तान को भी अल्लाह ने तोड़ दिया, साबित कराया कि हिंदुइज़्म भी पावरफुल नहीं है, जैसा यूट्यूब वाला मेरे राइट्स जो है उन्हें निकालने से वीडियोस, मुझे मालूम हो गया कि यूट्यूब वाले का जो है ये राइट्स है, इसका कानून है, इसका जो तरीक़ा है, इस वास्ते मैं अपने वीडियो नहीं डाल सका, अब मुझे उसके कानून के हिसाब से डालना है। तो अल्लाह ताला मक्के के अंदर सेंटर है दुनिया का, अब देखो कोई और खुदा होता तो सेंटर में कैसे बैठ सकता, अल्लाह सोचो, अल्लाह के सिवा कोई और होता तो सेंटर में कैसा बैठता, और फिर सेंटर में बैठने के बाद वहाँ सिर्फ मुसलमान ही पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे, रोज़ मक्के में हो या मदीने में हो, आप जाके देख लो, रोज़ाना की बात करूँ मैं, एक तो हज के वक्त लाखों में जमा हो जाते हैं, फिर आम दिनों में जो उम्रा होता है उसमें भी लाखों जमा हो जाते हैं, तो ये जो इबादत का तरीक़ा है इंसानियत के लिए आदम की औलाद में, ना तो आपको क्रिश्चियनिटी देगी ऐसा मिलके दुआ करने की कोई हालात आ जाए, तो अब जैसे जलजला आ गया जापान हो या किसी और जगह, अभी दो दिन पहले यहाँ पर भी आया भूटान, पता नहीं क्या है वो, 245 लोग मर गए, तो इस तरह से दुआ करने के, जैसे पाकिस्तान में जलजला आया तो मस्जिदों में जाके दुआ करें लोग, तो इस तरह से मुसलमान ही आफत के वक्त सारे मिलके जो दुआ करते हैं, वो आफत हो या ना हो तब भी जो है गैदरिंग के तौर पे मक्का और मदीने में मिलेंगे मुसलमान, ये एक बड़ी निशानी दे रहा हूँ मैं हर बार नई निशानी देता हूँ, मेरी आदत है, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता, मेरे पूरे वीडियो चेक कर लो। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात क्या बताना है मुझे कि देखो कल मैं जोहा विटनेस के एक आदमी से बात करा, जो चार औरतें उसके साथ थी, क्योंकि ये लोग अल्लाह ताला बता रहे कि गलियों में आएंगे ये तुम्हारे ईमान छीनने के लिए, ये शैतान है अल्लाह ने कह दिया, ये तुम्हारे दरवाजे को खटखटाएंगे, वो बराबर करते हैं आज भी, जबकि सिर्फ 7 मिलियन है वो जोहा विटनेस वाले क्रिश्चियनिटी में, 7-8 मिलियन, और यहूदी 14 मिलियन है, शिया 14-15 मिलियन के करीबी है, अहमदी खादियानी जो अल्लाह ने इस्लाम के 73 में इनको निकाल दिया इस्लाम से, वो भी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, सरदार भी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है सिखिज़म, तो ये इस तरह से जो दुनिया में ये मजहब बन गए, अब उसकी एक खास बताओ कल मैं जिससे बात कर रहा था वो पॉइंट देने के लिए बोला ये, मैंने उसको कहा कि देख तू बाइबल पढ़ता है, तेरे पास टेम्पल है, बाइबल पढ़ने वाले का जो इबादत गाह है उसको टेम्पल कहते, और एक इबादत गाह को चर्च बोलते कलीसा, और तू जोहा विटनेस वाला तेरी इबादत गाह को किंगडम बोलता, तू तेरा कॉन्सेप्ट अलग, होली स्पिरिट फादर एंड सन का कॉन्सेप्ट अलग, बैप्टिस्ट का अलग, और जो इंकार्नेशन गाड बोलने वाले का कॉन्सेप्ट अलग, एक ही बुक, यकीन माने हाथ जोड़ लिया हो। मैंने हंसता रहा हंसते रहे, तो मैं कहा ये कुरान में करा अल्लाह ताला, जब यहूदों ने सारा बुत परस को तुम कहोगे हक तो वो हंसेंगे, तो ये निशानी है बताया मैं उसको, कहने लगा मोहम्मद तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ ठहरा रहता हूँ, फिर तू पूरा दिन ठहरेगा यहाँ लोगों को जहन्नुम में भेज के, तू और तेरे बहने जो तेरे साथ ठहरे वो सब जहन्नुम में जाएंगे, मैंने वार्न करके चला गया, क्योंकि अल्लाह कह रहा है इनको डराओ ये जहन्नुम में जा रहे, इनको लालच दो या लालच का एक हक दो कि जन्नत के लिए इस्लाम में आ जाओ। अच्छा, ये बड़ी निशानियां दे दी, अब मैं ये हर बीमारी के लिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ हर बीमारी के लिए एक बात बता दूँ, सबसे पहले आप 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के दरूद के साथ पानी पी लो बीमारियों के लिए, कोई भी बीमारी क्यों ना हो इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। दूसरा, अगर तुमको ईमान चाहिए, अगर तुम्हारे को यकीन चाहिए, अगर तुम्हारे पास वसवसे न आए
और तुम्हारे को कोई भी दुनियावी फिक्रें भी ना है, तो या बदयुला जाए भी बिल खैरी या बदयू, ये 13 दिन पढ़ना है दरुद के साथ 3 बार, पहले दरुद बाद में, और 1200 पढ़ना है या बदयुला जाए बिल खैरी या बदयू, सिर्फ 20 मिनट में हो जाएगा। रोज़ाना मामूल बना लो 13 दिन का, फिर जब 13 दिन ख़त्म हो जाए तो हर दिन कम से कम 100 बार पढ़ो। देखो दुआओं में इतनी जान होती है, मैं तुमको अब फिल्मी दुनिया की बात बता दूँ। शाहरुख खान की हाल ही में एक फिल्म लगी जो मैं समझता हूँ तनुवेड मनु में लड़की की, अब शाहरुख खान जो है लड़का बन के वो रोल किया ऐसा, क्योंकि मैं वो फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये जो कहानी लिखा मुसलमान है उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कहानी वाले ने ये बहुत बड़ी बात भूल गई, आज अल्लाह को इंसान भूल जा रहा है, इस वास्ते बताना है। 25 साल से जो हुकूमत कर रहा, ना दिलीप कुमार किया ना अमिताभ किया, मैंने ज़िंदगी के पूरी जो है तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। दिलीप कुमार के भी सिर्फ 15 साल उरुज के थे, बाद में जवाल आ गया। अमिताभ के भी 15 साल उरुज के थे, बाद में जवाल आ गया, डाउनफॉल आ गया। लेकिन ये खान, बादशाह खान जिसको बोलते हैं, इंशाल्लाह कहता है, 25 साल से इंशाल्लाह ने उसको ऐसे बुलंदी पे रखा, फिल्मी दुनिया के जो टॉप के वर्ल्ड में जो इंसानों के नाम लिए जाते हैं उसमें भी नाम शाहरुख खान का है। लेकिन वो मुसलमान बदबख्त जिसको इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम, उसने असल जो दीवानगी है उसके पास शाहरुख खान की इंशाल्लाह है। वो दूसरा जो उसका कैरेक्टर किया, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, उसने तो उसके रूम क्या है नाम बता रहा, उन्हें कौन सी ट्रेन से बगर टिकट गया नाम बता रहा, घर पे जा रहा तो पहचान के लिए उसको कितने बच्चे हैं वो इंट्रेंस पे गेट वाले को भी बता रहा कि अंदर उसकी बीवी पहचानना उसको बोल के सब बताया, लेकिन नहीं बताया तो इंशाल्लाह नहीं बताया। ये इंशाल्लाह 25 साल से हुकूमत करने वाला खान है। और दूसरे खान ये जो 25 साल से चल रहे आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, 40-40 करोड़ का एक दिन बिजनेस दिए वाले एक दिन में। अब तुम जो 100 साल का अमिताभ बच्चन जो बना लिए, वो आज तक 100 करोड़ की फिल्म नहीं दे सकता, ना तो 100 करोड़ कोई बजट की फिल्म में उन्हें काम किया अभी तक। उसके लिए पर्सनल जैसा रजनीकांत है, उसकी फिल्म 129 करोड़ की थी कोचेडियान, उसकी लिंगा 125 करोड़ की थी। तो इस तरह से उम्र होने के बावजूद 100 ईयर्स का दे दिए, फिर उस पर से तुर्रा ये कि वहाँ जो है इंडिया में पद्मा भूषण कुछ नाम से जो है पीकू के रोल को दे दिए। अरे तुम लोगों के पास कोई तजुर्बा ही नहीं है मेरे बाप, खाली हिंदू हो तुम। इस वास्ते तो कह रहा हूँ कि तुम अंधेरे में हो, तुम ताजमहल की अजमत नहीं समझ सकते, तुम अंधेरे में हो, तुम दिलीप कुमार की अजमत नहीं समझ सकते। दिलीप कुमार की सेकेंड इनिंग, सौदागर, कर्मा, क्रांति, शक्ति, बताओ कोई ऐसी अमिताभ की। तुम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सटिया गए हो, तुम्हारे पास ईमान नहीं होने से तुम्हारे दिल नहीं खुले इंसाफ करने के लिए। अच्छा और एक ख़ास बात बता दूँ, देखो मैं किसी से जलता नहीं, जाकिर नायक के ताल्लुक से बता रहा हूँ। जाकिर नायक को मैं बार बार इस वास्ते कह रहा हूँ कि दुनिया में जाके इस्लाम की बात रख रहे, मगर कोई आज तक इनके 20 साल में जो इस्लाम कबूल करा कोई उभर के आके दावत के काम में नहीं लगा, इस्लाम की बात नहीं रखा, बुक्स नहीं छापा, या कोई इस्लाम के जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले कोई ऐसे मैं वीडियोस किसी के नहीं देखे। जो इस्लाम की स्टडी यूट्यूब पे करते हैं वो इस्लाम में दाखिल हो गए और उन लोगों ने बुक्स लिखा, वो लोग लेक्चर्स दे रहे जैसे जाशवा है लड़का पूरी दुनिया में फिरता हो, या यूसुफ स्टेड है पूरी दुनिया में फिरते, या बिलाल फिलिप्स है पूरी दुनिया में फिरते, या खालिद यासीन है पूरी दुनिया में फिरते, ये अपने से जो इस्लाम कबूल करने वाले। आप डॉक्टर ब्राउन को ले लो, आप जो है वो आरिफ कुछ नाम है उसका, उसको ले लो, और एक जर्मन में एक आदमी है जो इस्लाम कबूल करने का, तो उसके लाखों उसके हाथ पे शहादत ली, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुकम्मल नहीं है जाकिर नायक की, इस वास्ते बता रहा हूँ। देखो वली अल्लाह जिंदा है, अल्लाह ताला कह रहा है इनके जो है गुमान भी मत करो कि ये मर गए, वो खबरों में जिंदा है कह रहा है, मैं इनको रज़क पहुँचाता हूँ कह रहा है।
अब इसकी एक ख़ास बात बता दूँ, मैं यहाँ आने से पहले हमारे हनमकोंडे में अहमद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो मेरे वालिद का घर है वहाँ अजीज़ मंजिल मशहूर था, चौरस्ता बोलते थे उसको, तो वहाँ की दरगाह में वो खवाली पर उनकी चादर ऐसा घूम रही थी, मैं पूरी जगह हाथ रख के देखा यहाँ कोई गिरगिट या छिपकली तो नहीं है या कोई सांप तो नहीं है, क्योंकि सांप वहाँ अक्सर फिरते हैं, हमारे घर में भी बहुत बड़ा सांप था वही अजीज़ मंजिल में, उसको मेरा भांजा मार दिया, तो वो नहीं है, बल्कि मैं ऐसा हाथ पूरा डाला तो पूरी चादर ऐसी झूम मचाई। आज मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर मेरी बातें, अगर तुम दुनिया तक पहुँचाते अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम ही ज़मीन आसमान के मालिक है, अल्लाह चैलेंज कर रहा, और मक्के की मिसाल अभी तुमको बताया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुमको यह बताया अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुबह आदम को अल्लाह ने पैदा किया बिना माँ बाप के, आदम की रूह फूंकी अल्लाह ने और ईसा अलैहिस्सलाम की भी रूह फूंकी अल्लाह ने, दोनों को रूह फूंकने से आज दुनिया में इंसान गॉड को बगैर देखे मानता है 90% पूरी दुनिया में, सिर्फ 10% होते हैं एथियस का, कोई इस्लाम से निकल जाता है उसका जो है नफ्स उसको बर्दाश्त नहीं होता, अब जैसे मैं हूँ, कई सालों से मेरे बॉडी पूरी दर्द दे रही लेकिन जिस्म के अंदर नहीं दे रही, क्योंकि अल्लाह ने कहा तुम रोजे रखे तो मैं तुम्हारा ये जिस्म के अंदर की बॉडी का भी दर्द निकाल दूंगा, वो दर्द निकल गया बीच का, लेकिन हाथों पैरों में इतना दर्द होता है लेकिन मुझे बर्दाश्त करना है, अल्लाह का इम्तिहान है। तो जो इम्तिहान ख्वाहिश से दुनिया में उसको या औरत नहीं मिली या मर्द ये सोचता है कि मेरे को जॉब नहीं मिली या मैं जो है बीमार क्यों हूँ या मैं बच्चों के साथ क्यों बेइज्जती से हूँ, मेरी इज्जत क्यों नहीं है दुनिया में, इस तरह से सोच के इस्लाम से निकल जाता है, या कोई एथियस हो जाता है खुदा नज़र ही नहीं आता मैं क्यों मानूं, लेकिन खुदा नज़र नहीं आने के बाद में 90% दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से मानता है अल्लाह नज़र नहीं आने वाली, ये एक वाहिद चीज़ निशानी अल्लाह के दीन मरी है दीन में है, अल्लाह कह रहा है मैं नज़र नहीं आता, तुम्हारे सामने कोई खुदा सामने नहीं आएगा, इससे बड़ी निशानी कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह अकबर अज़ान गुजरी पूरी दुनिया के अंदर एक एक सेकंड। तो मैं और वली अल्लाह की जिंदा निशानियाँ बताऊँ, ये देखो यहाँ एक आयशा प्रोफेसर थी, उन्हें ऑटोबायोग्राफी लिख रही थी, बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए, फिलिपिन फील्ड फिलाडेल्फिया बोल के एक जगह है, वहाँ पर उनकी दरगाह है, एक वाहिद दरगाह है जो अमेरिका में, वो 80s में आए, और उनकी जो बुक्स लिखे थे वो सिनाली लैंग्वेज श्रीलंका की थी, उसको ऑटोबायोग्राफी लिखना था तो वो सिनाली लैंग्वेज की बुक रख दी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन की उनकी चादर के नीचे से जो उसको जवाब मिला। इससे पहले मेरे ससुराल में मेरी बीवी के ख़ानदान में उनको भैया बुलाया करते थे, यानी उनके कज़न भी होते रिश्ते में, सब भैया बुलाते, उन्होंने यूसुफ़ैन दरगाह शरीफ़ैन दरगाह हैदराबाद में, उनको कुछ जवाब लेना था यूसुफ़ बाबा से, उन्होंने चिट्ठी रखी वहाँ, जवाब मिल गया उनको, अल्लाह अकबर, जवाब आ गया चादर के नीचे से, और फिर देखो वो ये ज़िंदा है, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा मुझे बुला रहे बोल के, 30 साल पहले मैं स्कूल खोला था अलअज़ीज़ नाम से वरंगल में, मैं मगरिब को जा रहा था, बताए अल्लाह वाले ज़िंदा है, मैं साबित कर रहा हूँ, इस वास्ते नामुकम्मल शियाइज़म है थोड़ा सा, खादियानी है थोड़ा सा, और ये यहूदी थोड़े रह गए, और ये हिंदुइज़म भी जो है बटा हुआ है, और क्रिश्चियनिटी भी बटी हुई है, इंसान नहीं मिल सकते, इस वास्ते वो कल इंसान को मैंने बताया, देख तेरे पास चर्च है, तेरे पास टेम्पल है, तेरे पास जो है किंगडम है, तू पढ़ता एक ही बुक है, वैसे कुरान पढ़ने वालों का भी अल्लाह की निशानी के लिए करो, इंसान मिलके नहीं रहता, अल्लाह बताया, हम मुसलमान हैं, और जो है शिया का तर्जुमा अलग कुरान का, ईरान में जाके देख लो, अगर से तुम्हारे को खादियानियों का देखना है तो खादियानी के पास जो कुरान है उसका तर्जुमा देख लो, ये खादियानियों की मस्जिद वाला जो है मक्के को नहीं आता हज के लिए, ये जो शिया है पूरे रोज़े रमज़ान के नहीं रहता, शिया है फिर जो है मदीने में रोएगा पलाएंगा लेकिन वो मक्के के अंदर दिल साफ करके नहीं आएगा, ये अल्लाह ताला कजी इंसान के अंदर डाल दी, और अल्लाह कह रहा है पूरे के पूरे दाखिल, इस वास्ते मैं जाकिर नायक को भी जो है कहता हूँ तौबा करें, वो अल्लाह के चाहने वाले वली अल्लाहों के आज भी दुनिया जाती है उनके पास, बीमार जाते हैं शिफा होके आते हैं, अल्लाह वाले ज़िंदा हैं, अल्लाह के कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ, कुरान पढ़ो, अल्लाह कह रहा है इन पे गुमान भी मत करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।